ये हैं चिप्ट्रॉनिक्स का पिक्सल गेमिंग माउस एंड ये मैंने परचेस किया है 249 रुपीस में एंड ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है ये माउस। तो ऐसी कुछ पैकेजिंग है, यहाँ पे सारे माउस के फीचर्स हैं, 1600 DPI है, ब्रेडेड केबल है एंड माउस में 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में यूज़र मैनुअल एंड माउस मिलता है। तो फाइनली ये रहा माउस, ब्लैक कलर में है एंड मैट फिनिश में है एंड सेंटर में ग्लॉसी फिनिश यूज़ किया है एंड यहाँ पे ऐसी हनीकॉम शेप में होल्स किए हैं एंड अंदर की तरफ वाइट प्लास्टिक यूज़ किया है RGB के लिए एंड अंदर का प्लास्टिक जो है ग्लॉसी फिनिश में है, आप देख सकते हो उसी पे ट्यूबलाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम लगता है माउस एंड माउस का शेप एंड डिज़ाइन एग्जैक्टली मुझे ये डेल MS116 के जैसा ही लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे ग्लॉसी पार्ट नहीं है इसके जैसा एंड यहाँ पे थोड़े बहुत होल्स किए हैं, तो आप देख सकते हो मुझे तो एग्जैक्टली सेम ही लग रहा है। तो माउस का अर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल साइज़ का माउस है। तो एंड माउस का साइज़ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ये इसकी लेंथ है 4.8 इंच एंड वाइड है 2.4 इंच एंड माउस में 3 बटन्स हैं, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक स्क्रॉल व्हील में बटन है एंड ये स्क्रॉल व्हील पूरा रबर मटेरियल में है, आप देख सकते हो एंड ऐसा कुछ टेक्सचर बना है, पैटर्न बना है एंड बॉटम में ये सेंसर है एंड फुट पैड्स की क्वालिटी ऐसी कुछ है, प्लास्टिक मटेरियल में है एंड डेल MS116 के साथ आप कंपेरिजन में देख सकते हो शेप सेम ही है लेकिन ये फुट पैड्स का मटेरियल डिफरेंट है, आप देख सकते हो ये ग्लॉसी फिनिश में है एंड ये कुछ डिफरेंट ही है, आप देख सकते हो ये स्क्रैच हो रहा है एंड इस पर स्क्रैच वगैरह नहीं होगा, प्लास्टिक मटेरियल में है। तो एंड माउस का वेट विदाउट वायर होता है 75 ग्राम। USB एंड केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, गोल्ड प्लेटेड USB नहीं है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ फ्रेम यूज़ किया है USB पे एंड ये ब्रेडेड केबल है फुल्ली ब्लैक कलर में, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो इस प्राइस रेंज में केबल एंड USB की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड केबल की लेंथ 1.4 मीटर है। माउस को अभी PC के साथ कनेक्ट करते हैं एंड आप देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है एंड इसमें RGB ऐसी कुछ लगती हैं, आप देख सकते हो ऐसा छोटा सा पार्ट ग्लो कर रहा है एंड RGB सिर्फ यहाँ से ही दिखेगी, यहाँ पे स्क्रॉल व्हील पे थोड़ी बहुत दिखती है, तो ऐसा कुछ है मिनिमल लुक है तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा RGB भी ठीक नहीं लगती है, ये ठीक ठाक ही है लेकिन यूज़ करते वक्त आप RGB को देख नहीं पाओगे, आप देख सकते हो हैंड यहाँ पे आ जाता है तो ऐसे ही रखा हुआ होगा डेस्क पे, तभी आप RGB को देख पाओगे एंड नाइट में ऐसा कुछ लुक आता है, आप देख सकते हो। तो RGB का ऑफ करने के लिए कोई सिस्टम वगैरह नहीं है, स्क्रॉल व्हील को 3 सेकंड के लिए दबा के देखता हूँ तो नहीं होता है, स्क्रॉल व्हील DPI का सिस्टम रहता है लेकिन DPI के बटन ही नहीं है इसमें, तो RGB को शायद इसमें आप ऑफ नहीं कर पाओगे एंड सॉफ्टवेयर का सिस्टम भी नहीं है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी नहीं है तो RGB को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो माउस कनेक्ट हो चुका है एंड 1600 DPI ऐसा कुछ लगता है कर्सर मूवमेंट, आप देख सकते हो 24 इंच मॉनिटर के लिए टॉप टू बॉटम इतना कुछ ड्रैग करना पड़ता है तो सफिशेंट है इतना DPI एंड माउस में बेसिक टेस्ट कर लेते हैं, लाइक डबल क्लिक आसानी से हो रहा है, ड्रैग भी आसानी से हो रहा है एंड राइट क्लिक भी आसानी से हो रहा है। तो माउस में क्लिक्स की क्वालिटी ये डेल MS116 के जैसे ही है, थोड़ी बहुत हार्ड है लेकिन इस प्राइस रेंज में इतना तो चलता है, आप देख सकते हो डेल MS116 के जैसी ही है, डेल MS116 थोड़ा सा साइलेंट है कंपेयर में, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा लाउड है एंड स्क्रॉल व्हील की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पेज को आसानी से स्क्रॉल कर पा रहा है एंड माउस में ड्रैग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो मैं टेबल की सरफेस पे यूज़ कर रहा हूँ, कोई माउस पैड वगैरह यूज़ नहीं किया है, पैड्स प्लास्टिक मटेरियल में होने के बावजूद भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड माउस में पोलिंग रेट है मैक्सिमम 125 हर्ट्स एंड माउस में क्लिक्स की साउंड आप सुन सकते हैं। गेमिंग टेस्ट,
एंड इस प्राइस रेंज में माउस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ब्रेडेड केबल के साथ आता है एंड आरजीबी भी सिंपल ही है। अगर आपको सिंपल एंड सोबर आरजीबी वाला लुक चाहिए तो आप ये माउस कंसिडर कर सकते हो एंड बिल्ड क्वालिटी आप ये डेल MS116 के जैसे ही है एंड क्लिक्स एंड स्क्रॉल व्हील का फील भी सेम ही है, सिर्फ टेक्सचर डिफरेंट दिया है स्क्रॉल व्हील में। ओवरऑल 249 रुपीज़ में और क्या ही चाहिए, ब्रेडेड केबल, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लुक्स भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ये माउस कंसिडर कर सकते हो, अच्छा है नॉर्मल गेमिंग के लिए।